और छोरो के हाल। तो आप सभी का स्वागत है बैड बोर्ड्स की एक और खतरनाक एपिसोड में। तो गाइस, वॉल जैसा तुम सभी को याद होगा भैया, मैंने अपने बर्थडे के एक दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने तुम सभी को बताया था कि तुम लोग फ्री में जीक्यू कैसे बाय कर सकते हो, राइट। एंड वेल, तुम में से भैया काफी लोगों ने उसके कमेंट में ये कहा कि भाई तेने ये जो ट्रिक बताई है ये कतई बकवास है, ये काम नहीं करती एंड ये वेस्ट है, ठीक है। तो वेल, आज की इसी वीडियो में मैं तुम सभी को भैया पूरे प्रूफ वगैरह दूंगा और तुम्हारे सामने जीक्यू बाय करके अपने एक बंदे को दूंगा, ठीक है। बट उससे पहले, तो क्या तुम लोग भी घर बैठे बैठे हो रहे हो बोर? तो वेल, खेलो गेम्स एंड अर्न मोर। कैसे? तुम्हें बस सिंपली गूगल पर सर्च करना है www.skillclash.com। हाँ, स्किल क्लैश। वेल, स्किल क्लैश एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर तुम लोग गेम्स खेलकर पैसे अर्न कर सकते हो। एंड वेल, मजेदार बात बताए क्या है, इसके लिए तुम्हें कोई भी ऐप वगैरह डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुम लोग कैरम, लूडो, क्रिकेट, पूल, स्केप रन जैसे काफी सारे इंटरेस्टिंग गेम्स खेलकर पैसे अर्न कर सकते हो। अब वेल, मुझे पता है तुम सभी के मन में यही चल रहा होगा कि भैया जीते हुए पैसों को हम कैसे विड्रॉल करें। तो वेल, झटपट ट्रांसफर करो पेटीएम, यूपीआई या फिर अमेजोन पे से, यहाँ तक कि तुम इससे अपने बंदे या बंदी का भी रिचार्ज कर सकते हो। एंड वेल, इसमें और भी तरीके हैं पैसे अर्न करने के। अपने दोस्तों को रेफर करो या उनके बीच में टूर्नामेंट करवाओ। स्पेशल टूर्नामेंट में ईयरफोन, मोबाइल, लैपटॉप जैसे प्राइज जीतो। तो वेल, स्किल क्लैश पर अभी तक 1.5 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो वेल, तुम लोग किस बात का वेट कर रहे हो? तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट में से भी जाकर तुम इसे ट्राई कर सकते हो। तो वेल भैया, जो अपनी लास्ट हीरो टाइकून 2 की वीडियो थी ना, उस पर भाई मेरे को तुम लोगों के काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि ब्रादर, क्या तूने अपनी क्लैन लीव कर दी, क्योंकि तेरी क्लैन का नाम यहाँ पर दिख नहीं रहा। तो वेल जी हाँ, मैंने अपनी क्लैन लीव कर दी। अब वेल, वो मैंने ऐसा क्यों किया उसका रीजन मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, ठीक है। बट वेल, उससे पहले तुम लोगों के कुछ डाउट्स होंगे जिन्हें मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना। तो वेल देखो, पहली बात तो ये कोई गिव अवे नहीं है, ठीक है, क्योंकि गिव अवे होता तो मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से बताता, ठीक है। बट वेल, मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये गिव अवे नहीं था, मेरे को जस्ट एक तुम में से किसी का अकाउंट चाहिए था, है ना, क्योंकि भाई मेरे को देखो जीक्यू बाय करने पड़ेंगे तुम्हें प्रूफ देने के लिए, है ना, कि ये वर्क करता है या नहीं करता। तो वेल, मैंने सोचा है देखो मेरे पास तो काफी है, तुम में से ही किसी को दे देता हूं। तो इसलिए मैंने जस्ट सिंपली भैया कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया कि मेरे को एक वीडियो के चक्कर में तुम में से किसी का अकाउंट चाहिए। एंड वेल, मैंने कह दिया। एंड उसके बाद भैया लिटरली इतने सारे कमेंट आए ना। एंड वेल, कुछ बेचारे लोगों ने तो ना कमेंट में ये ना अपना अकाउंट और मेरे को पासवर्ड दे दिया था। एंड वेल, मेरे को इस चक्कर में वो कम्युनिटी पोस्ट तुरंत ही डिलीट करना पड़ गया, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो भाई उनमें से हो सकता था काफी लोगों के अकाउंट हैक हो जाते, ठीक है। तो वेल, इसलिए मैंने वो पोस्ट वगैरह तो हटा दिया। बट कुछ लोगों ने मेरे को मैसेज कर दिया था इंस्टाग्राम पर, है ना, तो मैंने उन लोगों का अकाउंट ले लिया, ठीक है। एंड वेल, देखो फ्यूचर में जब कभी भी मेरे को कोई ऐसा आइडिया आएगा या ऐसा कुछ करना होगा ना, तो मैं भैया या तो इंस्टाग्राम पे अनाउंस करूंगा या फिर डिस्कॉर्ड पे करूंगा, ठीक है। यूट्यूब पे नहीं करूंगा, क्योंकि यूट्यूब पर करता हूं तो यार मतलब भसड़ हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। हाँ, मतलब काफ़ी लोग भैया मेरे को यहीं पर आईडी पासवर्ड देने लगे, तो उस चक्कर में यार उन बेचारों का अकाउंट हैक वैक हो जाता, तो मैंने ये प्लान पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी करेंगे तो इंस्टा पे या फिर डिस्कॉर्ड पे करेंगे, ठीक है। तो वेल भैया, अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि भाई मैंने क्लैन लीग क्यों करी, ठीक है। तो वेल देखो, वेल उससे पहले अपन लोगों को फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि उग्रवादी आ रहे हैं हमारे पास। एंड वेल, मैं अपने बच्चों को किसी को मारने नहीं दूंगा। अरे मारकाट नहीं चलेगी यहाँ पर गाइस, मारकाट प्लीज। इससे सही तो भाई तू लड़ी लेता मेरे से। भाई उस छोरे ने अभी अभी मेरे सामने जिंदगी सुसाइड कर ली। खैर छोड़ो, मैं काम कर लेता हूँ, मैं वॉचमैन की तरह यहीं पे बैठ जाता हूँ, ठीक है। एंड वेल देखो, मैं तुम्हें पूरी बात स्टार्टिंग से समझाता हूँ, ठीक है। तो वेल, मेरे को किसी ने, ठीक है, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा, है ना। अरे यार भाई मान जा यार, मेरे दोस्त मित्र मेरे गहन मित्र, मान जा भाई, मान प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। ये पता नहीं आजकल ऐसी नशेड़ियों वाली हरकतें लोग करते क्यों हैं। भाई तेरे फुटप्रिंट दिख रहे हैं यार, तू ना इनविजिबल मैन, पता नहीं जाने खुद को क्या ही समझ रहा था। नहीं है भैया तू इनविजिबल, मान ले कर कोई की। हाँ मान ले भाई किसी की, ठीक है। और राइट, तो वेल आते हैं अपनी मेन स्टोरी के ऊपर, ठीक है। तो वेल देखो, मुझे ना आज जिस दिन मैंने अपना अरे यार भाई, मुझे प्लीज मेरी रामायण पूरी कर लें ब्रादर प्लीज। मैंने तुम लोग ओके दैट्स वियर्ड भैया, माँ कसम अखंड लेवल का बाबड़ा बनता हूँ मैं कहते, ठीक है भैया। स्लाइम अंदर रख के क्यों बैठा था मैं यार। खैर ठीक है, लीव इट, ठीक है। तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं किया, इग्नोर इट, ठीक है। तो वेल, अब बात कर लेते हैं कि भैया सीन हुआ क्या था, ठीक है।
तो भाई क्लैन लीव करने से ना कुछ 2-3 दिन पहले मेरे को एक बंदा था जो क्लैन में था, बट मैं उसका सॉरी नाम नहीं बता सकता है ना, क्योंकि वो बंदा मेरे लिए ना क्लैन की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मेरे को देता था, ठीक है, मतलब क्लैन में जो भी बसड़ वगैरह जो भी होती थी वो सब मुझे देता था। तो भाई उसने मेरे को एक सीक्रेट बात बताई कि भैया क्लैन के कुछ एल्डर अपने एल्डर पावर का गलत यूज कर रहे हैं, एंड वेल उसमें उसके अलावा भी तुम लोगों ने भी मेरे को काफी कहा था कि भैया तुम्हारे एल्डर है ना क्लैन के, वो क्लैन में आने के लिए GQ मांगते हैं। तो भाई मैंने भैया इस बात की तह तक नहीं पहुंचता तब तक मैं किसी को निकालता नहीं, ठीक है, मेरी आदत है, मैं पहले पूरी बात कंप्लीट करता हूँ देन ही मैं एक्शन लेता हूँ, ठीक है। तो भाई मैंने तब तक के लिए ना एल्डर्स को थोड़े दिन के लिए हटा दिया था, सिर्फ क्लैन में 1 या 2 एल्डर रखे थे, ठीक है, और भाई किन को हटाया था मैं सॉरी किसी का भी नाम नहीं बताऊंगा है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को भी मेरी वजह से हेट मिले है ना। तो भैया मैंने एल्डर्स को हटा दिया था, ठीक है, एंड वेल उसके अलावा भी क्लैन में 2-3 लोगों में लड़ाई हो रही थी, तो इस चक्कर में मैंने क्या क्लैन में 1-2 लोगों को म्यूट कर दिया था, ठीक है। तो वेल उसके बाद भैया लोगों ने ना जो क्लैन मेट थे मेरे उन लोगों ने भैया ये कहना स्टार्ट कर दिया कि एटॉमिक्स तो ना किसी और की बातें सुनता है, हमारी बातें नहीं सुनता, ये करता है वो करता है, मनवानी करता है ये वो। वेल देखो एक तो लिटरली मेरे पास टाइम नहीं होता, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ना क्लैन वालों के साथ बातचीत करने पहुंच जाता हूं ना, और उसमें भी अगर तुम लोग ऐसी हरकतें करोगे तो भैया बंदे का सुबह से मूड ऑफ है, ठीक है, एंड ऊपर से तुम लोग उसे अलग से सुनाने लगे जबकि बंदे की गलती भी नहीं है, ठीक है। मैं भैया चाहता तो एल्डर्स को निकाल सकता था, ठीक है, बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने जस्ट सिंपली उन लोगों को कुछ दिनों के लिए साइड किया ताकि मतलब ये पूरी मामले की तह तक पहुंच सकूं मैं, ठीक है। बट वेल जब उन लोगों ने ऐसी बातें की, काफ़ी सारी ऐसी ऐसी बातें हुई हमारी है ना जो मैं तुम्हें सॉरी नहीं बता सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को हेट मिले है ना। मेरे पास स्क्रीनशॉट वगैरह सारे कुछ रखे हुए हैं बट मैं वो दिखाऊंगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो वेल भैया बस इन्हीं चीज़ों की वजह से मैंने क्लैन को लीव कर दिया, क्योंकि भैया देखो मेरी है ना एक पर्सनल आदत है, ठीक है, जब मेरी गलती ना हो और अगर कोई मेरे को सुना देना तो बात तो मेरे पे वो सहन नहीं होता, ठीक है। फिर मैंने कहा कि देखो यार मैंने क्लैन तुम लोगों के लिए बनाई है, ठीक है, तो मैं उसको छोड़ूंगा भी तुम्हारे लिए, अगर तुम नहीं चाहते कि मेरी वजह से भैया क्लैन में कोई गड़बड़ हो रही है तो मैं क्लैन लीव कर देता हूँ, मुझे मतलब या मैं क्लैन लीव कर देता हूँ, देखो तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। तो मैंने उसी टाइम क्लैन लीव कर दी, हाँ दैट्स इट, मैंने क्लैन लीव कर दी, ठीक है। हाँ जी, तो वेल अब आ जाते हैं अपन अपनी प्रूफ वाली बात पे। तो वेल जैसा तुम लोग देख सकते हो वेल मेरे अकाउंट में भैया 100+ रुपीज़ हो चुके हैं, ठीक है। तो वेल अब मैं जस्ट सिंपली यहाँ पर जो ये वॉलेट का ऑप्शन है यहाँ आ जाऊँगा और जो ये विड्रॉल का ऑप्शन है ना इस पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ क्लिक करने के बाद भैया मेरे पास तुम देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शन है, राइट। तो मैं वेल इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता हूँ जिसमें मेरे को पेमेंट चाहिए, अपने पैसे निकलवाने हो, ठीक है। तो वेल इसीलिए मैं अभी के लिए चूज करूंगा UPI, हाँ, क्योंकि ये ज़्यादा बेस्ट है और सबसे तेज है, राइट। तो वेल मैं फटाफट से UPI की डिटेल वगैरह डालकर अपने पेमेंट को UPI में डाल देता हूँ, अपने GPay में, ठीक है। तो वेल भैया मेरे पैसे मेरे गूगल अकाउंट में आ चुके हैं, बट भाई मैं लिटरली ना तो उसका स्क्रीनशॉट ले पा रहा हूँ ना ही उसकी रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ। अब वेल मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं कि ऐसा क्यों है, बट मेरे हिसाब से भैया ऐसा होता होगा, ठीक है, क्योंकि भैया बैंक का सवाल है, तुम ऐसे स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं ले सकते। बट यार चिंता की कोई जरूरत नहीं है, मैंने दूसरे फोन से उसकी फोटो खींच के तुम्हें यहाँ दिखा दूंगा, ठीक है। जैसा तुम देख सकते हो भैया मेरे को स्किल क्लैश की तरफ से 100 रुपीज़ मिल चुके हैं। हाँ मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ लिए क्योंकि मेरे हिसाब से इतने में एक टॉपअप तो हो ही जाएगा, राइट। एंड वेल अभी के लिए मैं आ चुका हूँ अपने भाई बंधु के अकाउंट में। अब मैं तुम्हें जल्दी से भैया यहाँ पर तुम्हें ये टॉपअप करके दिखा देता हूँ ना, फिर तुम लोग ये ना कहो कि भैया ये होता नहीं है, ये वो फलाना डिमका, ऐसा मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो वेल यहाँ पे लिख रहा है टैप हियर टू ऐड G-Star कोड। अब वेल देखो एक बंदा जिसका G-Star कोड मैं यूज करूंगा क्योंकि मेरे को वो बहुत पसंद है, ठीक है। हाँ तो वेल उसका G-Star कोड है एटॉमिक्स। अब वेल ये लोंडा ना बहुत मेहनत करता है, ठीक है। तो अब तुम जब भी टॉपअप करो तो भैया तुम्हें यही करना है, ठीक है, तुम्हें यही G-Star कोड यूज करना है, राइट। ओ ये तो मेरा ही है, हाँ ये मेरा G-Star कोड है, जी हाँ एटॉमिक्स। तो वेल तुम्हें यही यूज करना है, ठीक है। एंड वेल तुम्हें जो सिंपली यहाँ पर आ जाऊँगा मैं, एंड यहाँ पर आकर मैं गूगल में इसको कर लेता हूँ, है ना, हाँ ओके 85 रुपीज़। वेल मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने गूगल के बाउचर बाय कर लिए हैं। तो मैं फटाफट से इसको कंप्लीट करके इसके अकाउंट में 60 GQ डाल देता हूँ। और एंड भैया पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। एंड वेल अब मेरे हिसाब से ब्रादर के अकाउंट में 60 GQ आ गए होंगे। ओ जी हाँ आ गए, बिल्कुल टॉपअप सक्सेसफुल। वेल धन्यवाद आप सभी का, है ना, हाँ जी। तो वेल मैंने ब्रदर के अकाउंट में 60 GQ पर टॉपअप करवा दिया है। अब वेल मेरे हिसाब से तुम्हें अभी भी कोई भी प्रूफ वगैरह की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तुम देख सकते हो भैया मैंने तुम्हारे सामने किया है जो भी किया, राइट।
एंड वेल उसके अलावा भैया आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को आज के एपिसोड में मजा आया होगा। आया हो तो भैया वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूले। एंड मिलते हैं जल्दी और न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट। तो वेल मैंने बताया था ना स्किल क्लैश के बारे में, अभी वहीं पर गेम खेल रहा था और ये देखो मेरे जीते हुए पैसे फटाफट यूपीआई से आ भी गए। तो भाई लोगों जाओ और जाकर स्किल क्लैश पर साइन अप करके काफी सारे पैसे कमाओ।